उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निहायत ही घिनौनी बात आज फिर करी है। आज वो कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है क्योंकि सीमन नहीं मिला है, वीर्य नहीं मिला है। एडीजी महोदय, मैं आपको थोड़ा सा कानून याद दिलाना चाहती हूँ। आईपीसी की धारा 375, जिसका कि संशोधन 2013 में हुआ है, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बाबुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि रेप के लिए सीमन का मिलना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीनिस, पुरुष की लिंग का पेनिट्रेशन होना भी अनिवार्य नहीं है, अगर कोशिश भी की गई है ये तो उसको रेप माना जाएगा। आप ऐसी घटिया बात बार बार करके ये दर्शा तो देते हैं कि आपको कानून की कोई जानकारी नहीं है। आपको 30 साल पहले जब आप पुलिस एकेडमी में थे वो कानून याद है, कानून बदल चुका है, उसको पढ़िए, उसका अध्ययन करिए और जिस पद पर है उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा रखिए, क्योंकि आप एक मृतिका का असम्मान तो कर ही रहे हैं, आप अपने पद का भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मेरी जानकारी भी है और राय भी है आपको। धन्यवाद।